हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी घर में अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं हमारे सामने कुछ आपको क्रिस्टल सा दिखाई दे रहा है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके जानकारी से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे पुराने बंधु हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हम बहुत ही सरल तरीके से आज जो हमारा सोटिक यानी कि रॉक क्रिस्टल, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंसान डायमंड नहीं पहन सकता है, जो डायमंड जिनको सूट कर रहा है लेकिन वो डायमंड नहीं पहन पा रहे, तो उसके बदले आप ये सोटिक रॉक क्रिस्टल आप धारण कर सकते हैं। ये उतना ही फ़ायदा करेगा जितना कि डायमंड करता है। जैसे कि आप देखें, शिवलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है, इसीलिए शिवलिंग, गणेश जी इन सब चीज़ों का भी सोटिक में अभिमंत्रित करते हैं और अभिषेक करते हैं, जिससे भी हमें बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो ये पूजा के लिए और घर में डेकोरेट के लिए, शॉप में डेकोरेट के लिए और बहुत सारे सौंदर्य डेकोरेट सामान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और पवित्र और बहुत ही शुद्ध माना जाता है रॉक क्रिस्टल को। इस वजह से इसकी जो कटिंग है उसको पॉलिश करके इसको काफ़ी आकर्षित तरीके से बना दिया जाता है, क्योंकि काचनुमा बिलोर तथा अंग्रेजी में से क्रिस्टल या कॉटेज भी कहा जाता है। स्टफिक को शुक्र रत्न माना जाता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हीरे का उपरत्न माना जाता है। इस वजह से यहाँ भी आप धारण कर सकते हैं, जिसे भी आप हीरा धारण करना चाहते हैं। सोटिक अग्नेय शिलाएँ लाइमन स्टोन तथा ग्रेनाइट शिलाओं के दरारों से प्राप्त होता है। विदेशों में यहाँ ब्राज़ील और मेटास्टक जापान, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड तथा अल्पस पर्वत, फ्रांस तथा हंगेरी की में प्राप्त होता है। भारत में सोटिक जो होता है वह हिमाचल पर्वत के बर्फीले पहाड़ों से प्राप्त होता है। यहाँ भारत को उत्तरी प्रदेशों तथा कश्मीर, कुल्लू, शिमला, स्पीति, मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा विंध्याचल पर्वत में भी पाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसको हम चश्मे में और चश्मे के गिलास इन सब में भी हम उपयोग करते हैं, कांच के गिलास बनाने में और खरोच आदि के जो निशान पड़ जाते हैं उसको ठीक करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ये तो बात हो गई इसकी। और इसका जो मेन जो हमारा सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगी कि हम इसे क्यों धारण करते हैं, हमारी बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही है कि इसको धारण करने से क्या फ़ायदे होते हैं। सोटिक जो होता है वो हमारे मन को बहुत शांत रखता है और शुक्र के जो प्रभाव होते हैं, जैसे ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सोटिक शुक्र का रत्न माना जाता है, हीरे का उपर रत्न माना जाता है। शुक्र की जो दशा हम पर पड़ती है उसमें जिससे भी जो हमारे जो मतलब बुरे जो प्रभाव होता है उसको वो काट देता है। इसके अतिरिक्त सोटिक मालाएँ भी बनाई जाती है जो विभिन्न आकार से और मन को हमारे बहुत जो हमारे मानव के रूप से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा करता है। इससे भी जिनको शीतवर्य प्रॉब्लम्स होती है, जिनको हमेशा गर्म सा फील होता है, जिनका स्वभाव बहुत गर्म होता है, उसे भी रॉक क्रिस्टल सोटिक पहनने के लिए कहा जाता है, ताकि उनका क्रोध जो है वो शांत रहे और वो बिल्कुल शांति क्रोध उनका नियंत्रण में रहे। आपने देखा होगा कि जो पंडित होते हैं, जो रेकी करते हैं वो सारे, और जापान में भी इसकी जो माला है वो धारण की जाती है, ताकि वो हमेशा शांत रहे, उनका क्रोध नियंत्रित रहे और उनका मन जो है वो बिल्कुल शीतल रहे। इसी गुण के कारण सबसे ज़्यादा इसकी माला और इसको हाथ में लेकर माला जाप करना, ये सारा कुछ किया जाता है। गायत्री मंत्र में भी इसको धारण किया जाता है। गायत्री मंत्र जाप करने के लिए भी सोटिक और रॉक क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं इससे हमारा दिमाग और हमारी बुद्धि बहुत तेज होती है और हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। इस वजह से गायत्री मंत्र की जाप करने के लिए भी सोटिक माला का विशेष फलदायी सर्वोत्तम माना गया है। सोटिक माला का एक गुण यहाँ भी है कि इसे रुद्राक्ष माला के समान ही कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। यहाँ माला सदैव लाभ प्रदान करने वाली होती है तथा यहाँ शुक्र की जनित दोषों को शांत करती है और आपको बहुत सारे सुख देती है, गृहस्थ जीवन में सुख देती है, आपके जीवन को अच्छा बनाती है, आपको लग्जरीज की मालिक बनाती है। इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा होता है। और जो भी हीरा धारण नहीं कर सकते उसके ये उपरत्न माना जाता है। तो इसके कुछ ये बेनिफिट्स हैं। अगर आपको ये हमारे माध्यम से चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पे आप हमें संपर्क करके आप हमसे प्योर रॉक क्रिस्टल सोटिक आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि और एक रत्न के बारे में होगा। तो आपको आज पता ही चल गया कि रॉक क्रिस्टल सॉटी किस प्रकार से हमारे मन को शांत रखता है, हमारे बुद्धि को नियंत्रित रखता है, और हमारे जितने भी वायु ऊर्जा है उनको किस तरीके से वो पवित्र बनाता है, और हीरे के उपरत्न माना जाता है। इस वजह से हीरे के बदले भी आप इसको धारण कर सकते हैं, आपको बिल्कुल वही फ़ायदा होगा और आपका शुक्र प्रबल होगा और आपके जीवन में लग्जरीज, प्यार, शांति, ये सारा कुछ आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है और ये आसानी से मिल जाता है, तो इस वजह से आप इसको धारण कर सकते हैं। हर हर महादेव।